हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माई अनदर वीडियो। सो आज हम आए हैं वन इलेक्ट्रिक बाइक के देखने के लिए, जो कि आपको मैं पूरी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो के बारे में दे दूंगा कि इस बाइक में क्या क्या है, क्या क्या नहीं है, क्या क्या फीचर्स है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और आप अगर नए आए हो तो यार, बहुत सारे लोग होते हैं कि सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, तो सब्सक्राइब करो और लाइक प्लीज़ कर देना, लाइक ज़रूर से कर देना, ज़रूर से। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सो गाइज, आगे के साइड में ऐसा आपको लुक देखने के लिए मिलेगा। और ये आपको बता दूँ, हैलोजन एंड बल्ब हेडलाइट का सिस्टम इसमें दिया गया है। हैलोजन बल्ब हेडलाइट देख सकते हो, मतलब ओल्ड आपको जैसा बुलेट का जैसा लुक होता है, जैसा वैसा लुक इस बाइक में देने की कोशिश कंपनी ने किया है। और यहाँ पर यह फाइबर का है। और आपको ये शॉक ऑब्जर्वर देखने के लिए मिलेगा, जो कि एडजस्टेबल है, नॉर्मल है, कुछ खास नहीं है। और यहाँ पर आपको मडगार्ड देखने के लिए मिलेगा, जो कि आपको रिवॉल्ट में देखने के लिए नहीं मिलता है, मेरे बाइक में नहीं है। यहाँ पर आपको हॉर्न देखने के लिए मिलेगा साइड में। और ये है इसका जीसी उतना कुछ खास नहीं है, ठीक है, मतलब नॉर्मल है। और मुझे इसका सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल चीज़ ये लगा कि इसमें हैंडल जो है वो रिवॉल्ट के कंपैरिजन में हैंडलिंग जो सिस्टम है मुझे काफ़ी तगड़ा लगा। यहाँ पर बैठने के बाद मुझे काफ़ी कंफर्टेबल सीटिंग वगैरह काफ़ी कंफर्टेबल लगी। ये सीटिंग जो है वाकई में काफ़ी कंफर्टेबल लगी मुझे। और यहाँ पर आपको देख सकते हो, क्रीडन इस कंपनी का नाम है। और यहाँ पर आपको लोगो देखने के लिए मिलेगा बाइक का, जो कि ऐसा है, वन इलेक्ट्रिक इस पे नाम भी लिखा हुआ है और ये कंपनी का लोगो है। इसमें आपको अलॉय व्हील डिस्क ब्रेक देखने के लिए मिलेगा। और यहाँ पर आपको टायर्स का जो साइज़ है 80x100 का है, और व्हील का जो साइज़ है वो 17 का है। और यहाँ पर आपको शॉक ऑब्जर्वर देखने के लिए मिलेगा, मतलब यहाँ भी तो यूज़ किया हुआ है, इसके लिए अच्छा नहीं दिख रहा है। यहाँ पर इस जगह पर गाइस, जब भी बाइक आएगी तब यहाँ पर नंबर प्लेट लगेगी। और यहाँ पर मडगार्ड वगैरह दिया है, पाँव की सेफ्टी भी बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर ये मेन चीज़ है, आपकी यहाँ से बैटरी चार्ज हो जाती है। और ये पूरी जो बैटरी है यहाँ पर असेंबल की हुई है, इस जगह पर आप देख सकते हो, इस जगह पर बैटरी है लेकिन नॉन रिमूवेबल है। इस जगह पर आपको हॉर्न देखने के लिए मिलेगा, हॉर्न का जो साउंड है यहाँ पर असेंबल किया हुआ है। ये चीसी वगैरह है, यहाँ पर कुछ तो लगाने के लिए लगाया है शायद, आई थिंक। यहाँ से वायरिंग वगैरह आप देख सकते हो, जो कि बैटरी की तरफ गई हुई है। और आपको अपर हेडलाइट वगैरह देखने के लिए मिलेगा इस जगह पर, अपर हेडलाइट, डिपर हेडलाइट, ये इंडिकेटर्स का ये है सिंबल, मतलब इंडिकेटर्स लगाने के लिए। और ये आपको ऑयलिंग सिस्टम इसमें दिखाई देगा। ये जो शीशे हैं वो बुलेट की तरह दिखाई देने के लिए करे गए, जो कि यहाँ पर आपको बुलेट का लुक देने के लिए थोड़ा बहुत इन्होंने कोशिश किया है। और ये जो है खास है, इसी चीज़ से आप देख सकते हो, इसमें तीन मोड होते हैं गाइस। ऑनलाइन लिए अपडेटेड नहीं है, लेकिन इसमें अभी तीन मोड किए गए हैं। फर्स्ट मोड में ये 50 तक जाती है, सेकेंड मोड में 65 के आसपास जाती है, और थर्ड मोड में ये 95 तक जाती है। और उसे कैसे कंट्रोल करना पड़ता है, तो इसमें एक बार दबा दिया तो नॉर्मल से निकल के, मतलब इको से निकल के नॉर्मल में जाती है, नॉर्मल से निकल के फिर स्पोर्ट्स मोड में जाती है। और ये बटन है स्टार्टिंग का वगैरह, वो आप नॉर्मल बाइक्स में रहता ही है। और ये ब्रेकिंग सिस्टम है यहाँ पर। अगेन यहाँ पर आपको इस कंपनी का लोगो देखने के लिए मिलेगा, जो कि यहाँ पर डिजिटल डिस्प्ले पे दिखाई देगा। और यहाँ पर कीज़ लगती है गाड़ी की, जो कि मैं आपको दिखा दूँगा अभी थोड़ी देर बाद। और ये थोड़ा सा बुलेट तो नहीं है, लेकिन काफ़ी तगड़ा वाला। आप यहाँ पर कुछ भी सामान वगैरह रखने के लिए काफ़ी, मुझे ये जगह अच्छी लगी, क्योंकि दूसरे बाइक्स में कैसा रहता है, ऐसा ऐसा रहता है तो सामान नहीं रख सकते, इस जगह पर कुछ ना कुछ आप रख ही सकते हो।
बाकी शॉक ऑब्जर वगैरह दिए गए हैं, दो शॉक ऑब्जर रहते हैं इसमें। और बाकी टायर्स की पीछे के साइज बात करें, ट्यूबलेस टायर्स की जो पीछे का साइज़ है वो 120x80 का है, और इसका अगर व्हील का साइज़ की बात करें तो 16 का इसका व्हील का साइज़ है। यहाँ पर आपको लेफ्ट साइड में पैर रखने के लिए जगह दी गई है। इस मोटर का गाइस प्राइस अगर पावर की बात करें तो 2300 इसका पावर है, 2300 वाट का वगैरह। और इसमें ये पूरी तरह से वाटरप्रूफ मोटर है, जो हब मोटर है वो पूरी तरह से वाटरप्रूफ देखने के लिए मिलेगा। और इसके साइड से ये जो वायरिंग गई है गाइस, ये इसी के नीचे से उस साइड से गई है, मतलब आपको बाहर से नहीं दिखाई देगा। और ये पूरी वायरिंग यहाँ से होते हुए ऐसे गई है, मोटर की जो वायरिंग है वो बैटरी तक अंदर तक गई है। इसमें पीछे के साइड में आपको बैक टेल हेडलाइट नॉर्मल आपको देखने के लिए मिलेगा, जो कि हलोजन से वगैरह इसमें से बना हुआ है। दोनों इंडिकेटर्स आपको देखने के मिलेगा, जो कि आपको कलर अलग लगाया, मतलब नॉर्मल आपके जो पहले वाली बाइक रहते थे वैसे हेडलाइट जैसे रहते थे वैसे ही इसमें यूज़ किए गए। और यहाँ पर जो रहेगा वो नंबर प्लेट आएगा, वैसे तो अभी ये शोरूम का नंबर लिखा हुआ है इस पर, लेकिन अभी वो जब नंबर प्लेट आएगा तब लगा देंगे। और बाकी यहाँ पर भी आपको वन इलेक्ट्रिक देखने के लिए मिलेगा, सीट पे भी ब्रांडिंग कंपनी का मतलब बाइक का नाम लिखा हुआ है। मुझे ये तो नहीं पता इसकी वजह से क्या इफेक्ट होता है, लेकिन मुझे जब रेस देते हैं तो ये मुझे काफ़ी कंफर्टेबल लगा, जो कि होना चाहिए था। मुझे कंफर्टेबली एक बार राइड लिया था तो मैंने काफ़ी कंफर्टेबल मिला मुझे ये चीज़। ये एल जो दिखा रहा है गाइस, जो लो पावर वाला है सिंबल, आप देख सकते हो यहाँ पर एल दिखा रहा है। अभी इसको एल को हटाकर आप मीडियम में भी कर सकते हो, जो कि आपको यहाँ पर एक बार प्रेस करना पड़ेगा। यहाँ पर एक बार प्रेस कर दिया तो गाइस आप यहाँ पर देख सकते हो कि एम हो चुका, मतलब मीडियम रेंज। और अगर आप स्पोर्ट्स मोड में देखना चाहोगे तो इसे आप यहाँ पर एक बार क्लिक करने के बाद आपको हायर रेंज देखने के लिए मिलेगा, हाइपर रेंज देखने के लिए मिलेगा। फिर आप ये कितनी इसकी स्पीड पे जा रही है वो भी इधर दिखाई देगा आपको, इस जगह पर ये कितना किलोमीटर जा चुकी है वो नीचे के साइड में दिखा रहा है। ये नॉर्मल है बाइक वगैरह, और ये की से चालू होती है। बाकी इतना ही सिस्टम है गाइस, यहाँ पर आपको टर्न इंडिकेटर देखने के लिए मिलेगा, आप यहाँ से टर्न वगैरह ले सकते हो। ये हेडलाइट अपर हेडलाइट देखने के लिए मिलेगा इस जगह पर। यहाँ पर हॉर्न का सिस्टम देखने के लिए मिलेगा, जबकि अभी ये इस बाइक का मालूम नहीं क्या हो गया, लेकिन हॉर्न नहीं दब रहा है। और ये भी है आपको इस साइड से भी अपर हेडलाइट, ये ट्रिपल हेडलाइट ये वो भी। यहाँ पर चार्जिंग पॉइंट है आपको मैंने ऑलरेडी दिखा चुका हूँ। और इस साइड से कुछ ऐसा लुक देखने के लिए मिलेगा इस बाइक में। और स्टैंड डबल स्टैंड है इसमें। बाइक का आपको कुछ इस तरह का चार्जर देखने के लिए मिलेगा, और इसमें कुछ वार्निंग वगैरह दिया हुआ है, आप पढ़ लेना। और ये है थ्री प्लग्स में लगता है आपको, अगर आपको थ्री प्लग्स तो होगा ही आपके घर में, वैसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है, आपको ऐसा चार्जर देखने के लिए मिलेगा। वैसे ये नॉन वाटरप्रूफ है ना, नॉन वाटरप्रूफ है ना ये। इस साइड से पीछे साइड से कुछ इस तरह से दिखता है, और इसमें आपको दिखाया गया है कि कितना परसेंट चार्जिंग वगैरह हुआ है क्या नहीं है। इसमें आपको लाइटिंग वगैरह दिखाई देगा कि कितना चार्ज हो चुका है अभी, 25% होगा तो रेड दिखाएगा, ऐसे दिखाएगा आपको नॉर्मली। और अगर हो गया नॉर्मल आपको चार्जिंग हो गया होगा तो ये इधर बज देगा कि आप हो गया फुल चार्ज। यहाँ से आपको पीछे की साइड से देखने के लिए मिलेगा, और अंदर के साइड में इस जगह पे आपको जो छेद दिख रहा है वहाँ पर आपका फ़ैन वगैरह हवा वगैरह चलेगा, मतलब चार्जिंग को ठंडा करने के लिए, चार्जर के लिए यहाँ पर आपको फ़ैन दिखाई देगा। बस इतना ही था इसका। और ये खास करके एक बार पढ़ लेना। इस बाइक में मुझे एक चीज़ पसंद नहीं आई है कि इस बाइक का प्राइस जो है वो 1.5 लाख के आसपास जाता है, उसके लिए मुझे ये बाइक पसंद नहीं।